नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। आगरा लाइंस क्लब स्वर्ण पदक, गृह विज्ञान संस्थान की बीएससी होम साइंस 2024 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए कुमारी ऐश्वर्या सिंह, गृह विज्ञान संस्थान आगरा। ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 90वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के द्वारा की गई। वहीं मेधावियों को राज्यपाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं 3 से अधिक मेडल पाने वाले मेधावियों के परिवार के लोगों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 8 मेडल के साथ अर्पिता बनी गोल्डन गर्ल। सबसे ज़्यादा 8 मेडल पाकर अर्पिता गोल्ड गर्ल बनी है। वह अभी SN मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही है। वहीं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छात्राओं का मेडल प्रतिशत 81% है। हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। माता पिता ने भी आपको सफल देखने के लिए बलिदान दिए है। माता पिता और परिवार के साथ राष्ट्र के प्रति भी आप सबकी जिम्मेदारी है। 21वीं सदी तकनीकी सदी है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती है। आगरा में औद्योगिक शहर विकसित होगा, इसकी घोषणा PM कर चुके हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इसमें विद्यार्थियों को शामिल होने के लिए आपको बता दें कि यहाँ महिलाएं यानी कि विद्यार्थी छात्राएं, आपको बता दें कि 99 छात्राओं को मेडल दिए गए हैं और तो वहीं 18 छात्रों को भी मेडल प्रदान किए गए हैं। मेडल में छात्राएं यहाँ धोती में नजर आ रही थी तो छात्र भी आपको बता दें कि धोती कुर्ता में नजर आ रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें, आगरा ग्वालियर रोड की रहने वाली ऐश्वर्या चाहर ने भी सफलता की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन कॉलेज जाकर पढ़ाई की और किसी भी स्टडी का सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी यानी स्कूल के साथ साथ विद्यालय के साथ साथ अपने घर पर रहकर पढ़ाई की। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस सब में उनके पति और परिवार के लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। आपको बता दें, ग्वालियर रोड की पुरानी सुरक्षा विहार में रहने वाले तेजवीर सिंह चाहर, जो कि मुरकिया के रहने वाले हैं, उनकी पुत्र वधु है ऐश्वर्या चाहर, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए आपको बता दें BSc में उन्होंने गृह विज्ञान से सफलता पाई है और उनका लोगों के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति रखने की उनने इच्छा भी जाहिर की है। तो जानिए ऐश्वर्या चाहर से उन्होंने किस प्रकार सफलता पाई है और क्या कुछ कहना चाहती हैं। वहीं गोल्डन गर्ल से किस प्रकार उन्होंने वह गोल्डन गर्ल बनी है। क्या नाम है? ऐश्वर्या सिंह। ऐश्वर्या जी, ये आपकी गले में जो एक पदक है, मेडल है, किसने मिला, क्या किया? सर, मैंने BSc होम साइंस में टॉप किया है 2024 में, तो मुझे इसलिए ये गोल्ड मेडल मिला है हमारी ऑनरेबल गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी से। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है इस पल को याद करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने 3 साल से इसी के लिए मेहनत करी थी तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये अचीव कर लिया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी, मेरे माँ पापा जी, मेरे इन लॉज, मेरे यहाँ पर माँ पापा जी, मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया मेरी स्टडीज़ के लिए। आगे क्या करने का इरादा? आगे मैं फ्यूचर में डाइटिशियन बनना चाहती हूँ और न्यूट्रिशन की फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ और डाइटिक से लोगों की हेल्थ अच्छा करना चाहती हूँ और इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ। इसी प्रकार के आपके मन में विचार आए, क्यों आए, क्या? स्टार्टिंग से मेरे पापा जी ने मुझे इसी चीज़ में मेरे इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की, तो मुझे यही लगा कि मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में जाऊँ और इसमें कुछ प्रोग्रेसिव फ्यूचर देखूँ। जो लोग पढ़ाई को अधूरा छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? पढ़ाई को कभी अधूरा नहीं, पहली बात तो पढ़ाई कभी ख़त्म भी नहीं होती, चलती रहती है और अपनी तो स्टडीज़ कम्प्लीट करना ही चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने किया। मैंने शादी के बाद भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी है, मुझे बहुत सपोर्ट मिला। क्या कहना चाहोगे, शादी के बाद अधिकांश लड़कियाँ बेटियाँ पढ़ नहीं पाती है, पति पढ़ाते नहीं है, ऐसे में क्या कहना चाहूँगी? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका तरीका होता है चीज़ों को डील करने का और सपोर्टिव फैमिली हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगी, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बताएगी या नेगेटिव नहीं बोलेगी। मेरी फैमिली तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो अभी मुझे मेडल मिल गया। क्या कहना चाहूँगी पति के लिए, इसमें आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया? मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे असाइनमेंट्स, मेरे वर्क, मेरे कॉलेज की डेली लाइफ। मैं रेगुलर कॉलेज जाती हूँ, टाइम से लाना ले जाना, वो मुझे खुद लेके जाते हैं, लेके आते हैं, बहुत सपोर्ट किया सब ने। पढ़ाई की बात की जाए तो किस प्रकार, कितने घंटे
और कैसे पढ़ाई की आपने, सोशल मीडिया का सहारा लिया? मैंने अपने जो कॉलेज से प्रोफेसर ने मुझे नोट्स प्रोवाइड करे, लाइब्रेरी से मैंने खुद का डेटा लेकर पढ़ाई करी है। ऐसा मैंने कुछ किसी से एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह नहीं ली, खुद ही सारे मतलब कलेक्ट कर करके डेली लेक्चर्स लेती हूँ मैं कॉलेज में, वही अटेंड करके मैंने ये किया है। क्या कहना चाहूँगी, अगर रूटीन क्लासेस दी जाए सफलता मिलेगी? रूटीन क्लासेस लेंगे तो ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कुछ आपको बता देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी डेली क्लासेस में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और फिर वहाँ से हमें बहुत सारा मेटा प्रोवाइड हो जाता है जो हम आगे पढ़ाई में यूज़ करते। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था? हाँ, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, प्लेटफॉर्म्स गूगल और बाकी के भी जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव, उन सबसे मैंने सोर्सेज लेके पढ़ा है। मेडल मिले, किस तरह की खुशी? बहुत खुशी हो रही है, अब फाइनली लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ करा है। इतने सालों से हम लोग बस पढ़ाई कर रहे थे, तो आज पहली बार ऐसा लगा कि कुछ फल मिला है पढ़ाई करने को, मेहनत करने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मिलेंगे, मतलब एक दो भी मिलते तो मुझे शौक रहती, लेकिन जब वहाँ पता चला कि 8 मिल रहे थे तो बहुत ही खुशी हुई। आज आपको आने में काफ़ी लेट हुई, बाहर आपको रोक भी दिया गया, क्या वजह रही? जी एक्चुअली क्या था कि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, ट्रेन पहुंचनी थी सुबह 6:30-7 बजे के आसपास, लेकिन वो पहुंची 10 बजे, तो फिर इस वजह से आने में लेट हो गया। मैं तो सोच रही थी कि जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक वगैरह भी मिल गया कि फिर इस वजह से। बात करें हम आपकी यूजी हो गई, और पीजी किस में करना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहते हैं? मैंने अभी तक ब्रांच नहीं चूज़ करी है, बट मेरी ये रहेगा कि मुझे सर्जिकल ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे इंटर्नशिप हो रही है वैसे वैसे समझ आएगा कि कौन सी ब्रांच मैं चूज़ करना चाहती हूँ, बट ब्रांच कोई भी चूज़ करूँ, मेरा फाइनल गोल तो यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, सोसाइटी की हेल्प कर सकूँ, वो करने की कोशिश करूँगी। अर्पिता का सपना क्या है? अर्पिता का सपना डॉक्टर बनना चाहते थे मेरे, एक्चुअली में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की वजह से वो बन नहीं पाए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। ऑल्दो मैं तब बहुत छोटी थी, लेकिन ये चीज़ हमेशा के लिए रह गई। तो फिर मैंने जब टेंथ करा तो उसके बाद मैंने इसकी नीट की तैयारी करने के लिए, मतलब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था दक्षिणा फाउंडेशन का, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर।